खुशी मिलती है और पब्लिक के साथ देखने का एक अलग मज़ा है। पब्लिक को हमने देखा, उनके साथ बैठ के सिनेमा देखा, अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और गुजारिश है कि अच्छी फिल्म है, इसे अच्छे प्रतिसाद की आवश्यकता भी है और अच्छा लग रहा है। सारा चीज़ खुशी मिल रही है कि अच्छी फिल्म देख रहे हैं हम लोग। गोलू के लिए तो आसान रास्ता हो गया इंडस्ट्री में कदम रखना आपके थ्रू, क्योंकि आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। नहीं, मेरे थ्रू कुछ भी नहीं है गोलू का। गोलू का खुद का टैलेंट ही है, ऊपर वाले की ही सारी चीज़ें उनके द्वारा ही निर्धारित होती है। मुझे याद है कि निरवा रिक्शा वाला में भी एक्टिंग के लिए जब संतोष मिश्रा जी ने कहा तो मैं मना कर रहा था कि एक्टिंग अलग फील्ड है, सिंगिंग चूँकि हमारे अंदर थोड़ा संगीत है तो होगा अंदर, लेकिन जब एक्टिंग के लिए उनको कहा गया तो मैं विरोध ही कर रहा था। लेकिन बोलते हैं होनहार दीवान के हो चिकने पर, उसके अंदर एक्टिंग स्किल था तो ऑलरेडी ऑडिशन में पास हो गया वो, फिर वो बन गई निरवा रिक्शा वाला। तो मेरा उसमें कोई एक पिता के नाते तो साथ में हम चलते रहे, लेकिन उसका खुद का टैलेंट ही उसके काम आ रहा है और आएगा भी। आज आपका बेटा जिस मुकाम पे, आपको खुशी है या लगता है कि और ऊपर इससे जाना चाहिए? नहीं, इस देखिए ये कला क्षेत्र है, इसमें कुछ कोई लिमिटेशंस नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। अच्छे मेकर्स आएंगे, अच्छी सोच वाले लोग आएंगे तो और अच्छी चीज़ें बनेंगे। आज साउथ इंडस्ट्री, उन्होंने अच्छा प्रयास किया, सिनेमेटिकली गए तो आज ऑल इंडिया में उनका तो एक अलग स्थान है। तो सिनेमा अच्छी बनेगी तो पब्लिक को अच्छी लगेगी, और पब्लिक को अच्छी लगेगी तो बिजनेस अच्छा होगा। सारा मामला जुड़ा हुआ है आपको सिर्फ और सिर्फ सिनेमा पे। सिनेमा अच्छी बनेगी तो पब्लिक ऑटोमेटिकली आती है, देखना चाहती भी और देखती भी। आपने सौदागर पूरी फिल्म देखी है? जी, हमने देखी है। कितनी बार देखी है? मेरे ख्याल से एक बार हम लोगों ने देखा था यहीं पे आके सतीश जैन जी के साथ छत्तीसगढ़ी वर्जन, और आज मैं देख रहा हूँ अपना भोजपुरी वर्जन। तो कहानी तो सारी वही है, लेकिन थोड़ा स्टार और कुछ चीज़ें बदली है, लेकिन पहले ही बहुत अच्छी फिल्म थी वो, और आज भी मैं आज देखा हूँ फिल्म को, अच्छा लगा। आप खुद संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं, बेटे के लिए क्या खास तैयारी कर रहे हैं संगीत को? ये संगीत हमने ही तैयार किया है, हमारी एक ही कोशिश होती है संगीत के माध्यम से। हम कोई भी गाना बनाएं उसमें थोड़े अकॉर्ड शब्दों का इस्तेमाल ना हो, और ठीक है एंटरटेनमेंट का साधन है ये और मनोरंजन ही करना है लोगों का, लेकिन थोड़े अकॉर्ड चीज़ों से बच के चलें तो ऐसा नहीं है, पब्लिक को हर चीज़ अच्छी लगे, अच्छी चीज़ अच्छी लगेगी। फिल्म में आपने संगीत तो दिया ही था, साथ में और किस प्रकार से आप फिल्मों से जुड़े हैं? क्या क्षेत्र में? नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ संगीत क्षेत्र से जुड़ा हूँ। प्रोड्यूसर को? प्रोड्यूसर नहीं, फिलहाल ऐसा कोई इरादा तो नहीं है फिलहाल। इस फिल्म के माध्यम से जुड़े हैं? नहीं, इस फिल्म में विशुद्ध रूप से मैं इस फिल्म का संगीतकार हूँ। ऋषभ कश्यप हीरो तो सतीश जैन जी, हमारे बहुत इज्जत करता हूँ मैं जिनकी, सभी अच्छे हैं, लेकिन सतीश जी के साथ काम करने का एक अनुभव ये रहा कि वो बैठ के काम करते हैं, वो प्रॉपर सिटिंग करते हैं, प्रॉपर आपको सिचुएशनली सारा चीज़ समझाते हैं और समझ बूझ के वो करते हैं, तो उनके साथ काम करने का एक अच्छा अनुभव रहा मेरा। बाकी फिल्में करोड़ों से ऊपर की जा रही है, करोड़ों से ऊपर बिक रही है, बेटे के कैरियर के लेके आपके मन में किसी प्रकार की चिंता रहती है कि मेरा बेटा आगे चल के जो मुकाम हासिल होना चाहिए वो इंडस्ट्री में हासिल नहीं कर पाए, चाहे उससे बड़ा मुकाम हासिल करें? नहीं, बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया उसने, और अभी शुरुआत है, और मकाम मुकाम जो ये शब्द है
ये अंत तक चलता रहेगा। ये आप जितना स्किल बढ़ाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, बहुत कुछ करने को है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, मेरे कहने के मुताबिक अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छी और भी सशक्त और इससे मजबूत फिल्में आनी चाहिए। और मुकाम तो सबसे बड़े जो हमारे हैं आराध्य हमारे भगवान, उनकी एक अलग स्क्रीन प्ले चलती है और वो जो स्क्रीन प्ले लिखते हैं हम आप नहीं समझ सकते। हर कोई पिता चाहता है कि मेरा बेटा अपनी लाइफ में कामयाब हो। हर कोई चाहता है, आप भी यही चाहते हैं? कोई भी चाहता लेकिन हर पिता के मन में डर होता है कहीं मेरा बेटा कामयाब नहीं हो पाए, कहीं उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, उसको लाकर डर है आपके अंदर? नहीं, एक पिता के नाते आप अगर आप पिता हैं तो पिता की भावना एक जैसी होती है हर किसी की। मतलब सिर्फ मेरी ही नहीं, दुनिया में जितने पिता होंगे हर पिता की एक ही इच्छा होती है कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा ऊपर जाए। ये साधारण भाव है, सबके अंदर होती है भावनाएं। और पिता यही चाहता है, कोई भी पिता, दुनिया के सारे पिताओं को मैं बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं है, हम भी यही चाहते हैं कि और आगे जाएं, अच्छा काम करें, काम ऐसा हो जो सराहना भी मिले और साथ में सबको भाई वो काम, वही काम होता है जो सबको अच्छा लगे। चलिए, हमारे मैं बालाजी हमारी कंपनी है, हम लोग बेसिकली हम लोग और हमने कावरा जी के साथ में मिल के ये फिल्म का प्रोडक्शन किया है और सतीश जी फिल्म के डायरेक्टर हैं और अभी ये फिल्म रिलीज की गई है जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कोरोना के बाद अभी फिल्में चल नहीं रही हैं थिएट्रिकल, ये भोजपुरी की फिल्में, वो हिसाब से इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कितने फिल्में अभी तक आपने रिलीज की है? मैंने पहले भोजपुरी की करीब 600 फिल्में रिलीज की। 600 फिल्मों का आपका अनुभव है, उस पे ये फिल्म कैसी किस प्रकार की, भारी है या हल्का है, कमजोर है, एवरेज है? कि मुझे लगता है बेहतरीन फिल्म है और बहुत अच्छा करेगी। जैसे एक पिक्चर थी निर्वाण इच्छावाला 2 जो उसने कमाल किया था, वो जो ग्रॉस लेके आई थी वो कलेक्शन आज तक कभी दिखा नहीं था पहले। इस फिल्म से उम्मीद है, लेकिन कोरोना काल का ये जो बेसिक पीरियड है अभी, ये तो काफ़ी सिनेमा बंद हो गए, अभी सिनेमा चल नहीं रहे हैं, अभी बेसिकली 2-3 सिनेमा ही अभी बॉम्बे में खुले हुए हैं। मैंने 60-70% सिनेमा तो बंद हो चुके हैं और ये सिनेमा तो क्या मल्टीप्लेक्स में भी चलेगी? भोजपुरी फिल्म को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि भोजपुरी फिल्म जगेगी? आजकल तो बस मोबाइल में फिल्म आ रही है, भोजपुरी फिल्म मोबाइल में रिलीज हो रही है, सिनेमा चलता ही है। ये इसी फिल्म का आप देख लीजिए, इसी सिनेमा में जो कलेक्शन है आपका करीब 30,000 के ऊपर हो जाएगा, जो कि आज बेसिकली जो कोरोना के बाद अभी तक कोई पिक्चर का हुआ नहीं है। पहले दिन का कलेक्शन 15-16,000 रुपये होता है, सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसका आज ही 30-32,000 रुपये हो जाएगा, बहुत अच्छा कलेक्शन। तो क्या लगता है कि सौदागर के बाद दर्शक थिएटर में आएंगे? इसलिए पिछली फिल्में जो रिलीज हुई है उसका रिस्पॉन्स इस सिनेमा हॉल में अच्छा नहीं रहा। आएगी 100% सौदागर चलेगी और मतलब कलेक्शन इसका डे बाई डे बढ़ेगा और गिरेगा नहीं। सर क्षमा चाहता हूँ, सर काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, सर अपने बारे में कुछ बताए। नहीं, मेरा नाम है आशी तिवारी और गोलू भाई की फिल्म रिलीज हुई है सौदागर। गोलू भाई एक ऐसे स्टार है मेरा, अगर मैं गलत नहीं, तो बच्चे से लेके और हर जो उम्र के जो लोग हैं ऑडियंस है उनको पसंद करती हैं और बहुत सारी फिल्में हैं, उन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं, मतलब सबका नाम ही याद नहीं है। बट कोरोना के बाद हमने जो मतलब यूपी भी मैं गया था, बिहार भी गया था भैया, और अभी जो आज मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से यहाँ पे ऑडियंस है मुंबई में, कुछ लोग तो खैर सबकी फिल्में अच्छा करें, सब लोग मेकर हैं, बहुत मेहनत से फिल्में बनती हैं और सिनेमा बस जो सिनेमा कायदे का होता है वो सिनेमा बस सिनेमा हॉल के लिए होता है, OTT या YouTube इसके लिए नहीं होता है। तो ये कायदे की सिनेमा बनी है और सिनेमा हॉल में अभी हम लोग बैठ के देख रहे थे, इतना अच्छा लग रहा है और ऑडियंस भी है यहाँ,
झूठ मूठ का एडिट वेडिट कर वैसी ऑडियंस नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर ऑडियंस बैठ के देख रही है, इंजॉय कर रही है। ये देख के बहुत खुशी होती है कि ऐसा रिस्पॉन्स सबको आना चाहिए, बट फिल्में भी अच्छी बननी चाहिए। ये फिल्म पहले ही ऑलरेडी जहाँ तक मुझे पता है रीमेक है, 18 करोड़ का बिजनेस अगर इसने छत्तीसगढ़ी में किया था तो भोजपुरी में जो है भैया करोड़ों लोग, अगर सब लोग मेहनत करें प्रॉपर गाना, जो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं गाने पे, यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करते हैं मिलियन व्यूज पे, अगर 1 मिलियन उनका जो है पब्लिक आके फिल्म देख ले तो किसको फ़ायदा होगा? आज डिस्ट्रीब्यूटर को, सबको, उनको ही फ़ायदा होगा, जो प्रोड्यूसर होगा उनको फ़ायदा होगा, बट लोगों का आजकल ज़्यादा ध्यान है कि गाना पे कैसे प्रमोशन मारना है, फिल्म के प्रमोशन में बहुत लोगों का ध्यान नहीं रहता है। बहुत सारी बातें बोला जाए तो बहुत दूर तक बात जाएगी, मतलब नहीं है। फिल्म अच्छी है और सबको आके, और जहाँ जहाँ ये फिल्म लगी है यूपी में लगी है, यूपी और बिहार में भी लगी है, तो सबको जाके ये फिल्म देखना चाहिए। और राजेश भैया इतना 600 से ज़्यादा ऑलमोस्ट फिल्में रिलीज किए हैं, इतना अनुभव है, ये बोल रहे हैं, मैंने तो देखा भी कलेक्शन जिस हिसाब से, तो उम्मीद है ये फिल्म मुंबई में भी बहुत अच्छा करेगी। अच्छा करेगी, अच्छा कर रही है और अच्छा आगे भी करेगी फिल्म, और जगह पे अच्छी अच्छे सिनेमा में भी चलेगी, क्योंकि पीरियड या भोजपुरी फिल्में लोग ज़्यादा करके अच्छे सिनेमा में नहीं लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, लेकिन ये फिल्म एकदम साफ़ सुथरी है और मतलब पूरा एंटरटेनिंग सिनेमा है, तो सिनेमा 100% बढ़ेंगे और अच्छे सिनेमा में लगेंगे। अभी मेरा पांडे जी से बात हो रहा था, ये जो बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो पिक्चर देख के इतना खुश हो गए हैं कि वो बोले कि अब मैं इसको पिक्चर को बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा मतलब फैलाऊँगा नहीं एकदम, क्योंकि कलेक्शन अभी जो 3 बजे का था उससे कलेक्शन 2000 रुपये बढ़ा हुआ है, 6 बजे का कलेक्शन, जो कि हमेशा 3 बजे के कलेक्शन से 6 बजे का कलेक्शन गिरता है, तो बहुत मतलब उनको कॉन्फिडेंस आ गया सिनेमा देख के, वो कहानी सुना रहे थे अभी मुझे। आपने 600 फिल्में, ऐसा क्या वजह रहा है कि फिल्में भोजपुरी फिल्में कोई लगाना नहीं चाहता है, कोई मल्टीप्लेक्स देना नहीं चाहता है उसको, वजह क्या है? हमारा सिनेमा तो कैसा था ना, हमारा भोजपुरी सिनेमा जो पहले सिनेमा के लिए बनता था, तो थिएटर के लिए, फिर उसमें पहले 1.5-2 करोड़ की फिल्में बनती थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये चैनल्स आ गए, फिर उन्होंने एक प्राइस नक्की कर दी कि इसी के अंदर हम आपको पैसा देंगे और इतने अंदर ही बनाना है, तो फिर वो लिमिटेशन हो गया और हमारी जो पब्लिक है वो भेड़ चाल वाली है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं कि भैया इतना 90 लाख रुपया मिल रहा है तो 85 लाख की बनाओ, 5 लाख रुपया कमाना है, और 5 लाख किसी को आज तक मिला नहीं है। बात सही है सर, और खुल के बोले, देखिए जो चीज़ें हैं इंडस्ट्री में चल रहा है आपको बताना जरूरी है, बहुत कम लोग खुल के बोल पाते हैं, उसमें से पहले शख्स आप देख रहे हैं जो खुल के बोल पा रहे हैं। नहीं नहीं, ये एक्चुअल में क्या है ना सर, सिनेमा कोई बनाता नहीं है, सब लोग प्रपोजल्स बना रहे हैं और सब लोग भेड़, किसी के पास ना तो कहानी है ना तो किसी के पास वो है, सबको भोजपुरी फिल्म बनाना है, किसी को पकड़ लिए, किसी का 10-20 लाख रुपया लगवा दिए, ये कर दिए, चालू कर लेते हैं, पिक्चरें बना देते हैं, वो होता नहीं है, और सब लोग फिर रोते हुए घूमते फिरते रहते हैं। फिल्म बेसिकली फिल्म के हिसाब से भोजपुरी सिनेमा बनता नहीं है, 2-4 जन को छोड़ के 2-4 लोग बनाते हैं, आज भी राजकुमार पांडे जी अच्छी फिल्में बनाते हैं, आज भी उनकी पहले अभी पिक्चर 17 बड़ा 17 वाला आया था, उनको तो पिक्चर काफ़ी अच्छा किया, अभी loveviva.com IP को भी पिक्चर अच्छा करके गई है, लेकिन क्या है बेसिक प्रॉपरली रिलीज भी नहीं हो पा रहा है सिनेमा, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, सबको यही लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा ले लो, डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चरें खुद बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा ले लो, फिल्म बनाइए तो उसके पीछे रिलीज के लिए भी उतनी तैयारी करिए,